जिसको चाहिए होती ना वही याद दिलाता होगा कि हाँ नहीं तो आएगी नहीं, है ना। चलो cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि दिस इज मेथड नंबर वन, अभी जो मैं बता रहा हूं ये मेथड नंबर वन है इस क्वेश्चन के, मेथड नंबर वन, ठीक है। हालांकि मेथड नंबर टू, हाँ वन बाय बहुत बढ़िया, ठीक है। मेथड नंबर टू हालांकि रिलेटिवली इजी रहेगा, लेकिन वो एक पूरा पैटर्न है, तो वो पैटर्न को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी केवल फॉर्मूला अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ राइट। तो अब क्या करते हैं, देखो कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि कभी भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपके पास ऐसे एंगल्स आ रहे हैं जिनकी वैल्यू अपने को नहीं पता है, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे ठीक है भाई 60 की वैल्यू मुझे पता है, 60 में रख दूंगा, 20 है, 40 है, 80 है, इसकी वैल्यू तो नहीं पता है ना। और आंसर मुझे न्यूमेरिकल टर्म्स में आंसर चाहिए, आंसर न्यूमेरिकल टर्म्स में, वैल्यू टर्म्स में आंसर चाहिए, कॉस की फॉर्म में नहीं चाहिए आंसर, सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं चाहिए, वैल्यू फॉर्म में अपन ने वो चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आप क्या करो कि फॉर्मूले लगा के आप उन एंगल्स को कंबाइन या डिफरेंस बनाने की कोशिश करो, कंबाइन करो, डिफरेंस बनाओ, ताकि कंबाइन करके या डिफरेंस करके उनकी वैल्यू अपने को पता लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी मैं 20 और 40 की बात करूं, ठीक है ना। पहले पैटर्न समझ लो बेटा, आंसर बाद में लिख देना बेटा, पैटर्न समझ लो, आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। क्वेश्चन में हमेशा मेथड समझने के टेंडेंसी से क्वेश्चन करो, आंसर निकालने की टेंडेंसी से नहीं, ठीक है। 20 और 40 की जैसे मैं बात करूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 20 और 40 में जब मैं a प्लस b करूंगा तो 40 प्लस 20 60 आएगा, 60 की वैल्यू पता है। फिर साथ में एक लेकिन ये भी दिक्कत आएगी कि 40 माइनस 20 में 20 भी आएगा, अब 20 की वैल्यू तो नहीं पता है, 60 की पता है 20 की, ठीक है। चलो एक एंगल की तो पता लगी अपने को, है ना। तो फिर आप वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो cos 60 की वैल्यू तो 1/2 थी, तो 1/2 को तो अलग कर लिया मैंने। फिर मेरे पास बचा क्वेश्चन cos 80, जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो तो अच्छा लगता है, cos 80, cos 40 एंड cos 20 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूला मेरे पास, यदि फॉर्मूला इसमें समझ में आ रहा है तो मुझे एक ही फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि इसमें 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला में डायरेक्ट लगा सकता हूं, 2 cos a cos b वाला, वेरी गुड। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, किसी एक को बाहर ले लेते हैं, लेट्स से 80 को मैं बाहर ले लेता हूं, 1/2 cos 80 को मैंने बाहर ले लिया, बचा मेरे पास cos 40 into cos 20 और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 cos 80 और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, तो फॉर्मूला लगाया cos a plus b plus cos of a minus b लगा दिया मैंने। सो 1/4 cos 80 अब मेरे पास आ गया cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 और उधर आ गया cos 20। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो कुल मिला के मुझे एक चीज तो फायदा हो गया कि मेरे पास 3 टर्म की जगह अब मेरे पास 2 ही टर्म बची है, 3 टर्म की जगह 2 ही टर्म बची है। सो दैट बिकम 1/8 cos 80 प्लस 1/4 cos 80 cos 20, मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया 1/8 दिस और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको तो और मैं कुछ नहीं कर सकता 80 का, अब जैसे कल अलग से आ जाए तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा तो आप 80 को किसी और एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो उसकी वजह इसको मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, वापस फॉर्मूला बनाना ना, 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला दिखना चाहिए, दिख रहा है अच्छा तो बस बहुत बढ़िया। तो इसको लिख दिया 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 2 cos a cos b, it will become again 2 cos a cos b, so cos a plus b plus cos a minus b, yahan tak aa gaya mere paas, theek hai। cos 80 plus 20 cos 100, 100 ko kuch nahi kar sakte, lekin again yahan pe cos 60 aa gaya aur cos 60 ki value fir se mujhe pata hai, cos 60 ki value pata hai na, तो मेरे पास आ गया 1/8 cos 80 प्लस ये हो गया 1/8 cos 100
और cos 60 की वैल्यू 1 by 2 into 1 by 8 कितना हो गया 1 by 16 आ जाएगा, 1 by 16 आ जाएगा। ठीक है यहां तक राइट। अब बच्चा ये, अब इसमें वैसे देखा जाए ना तो आप चाहो तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, देखो इसके बाद इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि आप यहां से 1 by 8 कॉमन लेके cos c plus cos d भी लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं। 1 by 8 कॉमन लेंगे, 1 by 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा cos 80 plus cos 100, एक ही फॉर्मूला दिख रहा है इसमें, कौन सा, cos c plus cos d वाला। ठीक है, तो cos c plus cos d लगाते हैं, याद आ रहा है cos c plus cos d, प्लस वाला जब भी आ जाए cos c cos d देखना है, मल्टीप्लाई आ जाए तो साइन ए साइन बी, cos साइन ए cos b वाला देखना है, तो 2 cos a plus b by 2 एंड cos, सॉरी c plus d by 2, c plus d by 2, c minus d by 2, तो 180 by 2 हो गया 100, ओ सॉरी 180 by 2 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और या फिर इतना करने की भी जरूरत नहीं है, यदि क्लिक कर जाए तो आप इसको या तो cos 100 में बना सकते हैं और या इसको cos 80 में बना सकते हैं। ठीक है, मैं cos 80 को लिख सकता हूं cos 180 minus 80, cos 80 को, और cos 180 minus theta कितना होता है minus, सॉरी 80 को लिख सकते हैं 180 minus 100, सॉरी cos 80 को लिख सकते हैं 180 minus 100 लिख सकते हो ना, और cos 180 minus theta कितना होता है minus cos theta होता है, तो that become minus cos 100। आ रही है कि नहीं बात समझ में, फिर से समझो, 80 को मैंने क्या लिखा है बेटा 180 minus 100 80 होता है ना, अब यहाँ पे लग जाएगा cos 180 minus theta, what is cos 180 minus theta, minus cos theta, so minus cos 100, so basically cos 80 is minus cos 100, तो ये minus cos 100 है, तो that's why ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी और अपने पास फाइनल आंसर 1 by 16 आ जाएगा। दोनों ऑप्शन है, जैसे क्लिक कर जाए cos c plus cos d दिख रहा हो वो आप लगा सकते हैं, और या 180 को ये माइनस करके आप लगा सकते हैं, जो दिख जाए अपने पास। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, उसमें भी एक स्टेप लगेगी, इसमें भी एक स्टेप लगेगी अपने पास। ठीक है, कैसे cos a माइनस b की आइडेंटिटी, तो कैसे निकाल दोगे बिना a माइनस b की आइडेंटिटी, कहां पे बोल रहे हो आप, ये वाली बोल रहे हो क्या, प्रथम कहां पे, किस स्टेज पे आप a माइनस b, हाँ वो c माइनस बी पे 80 माइनस 100 हो आदित्य, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो बोल रहे हो ना cos में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, cos में तो आप किसी को भी c मान लो किसी को भी d मान लो, तो इसलिए cos में तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि cos ऑफ माइनस आएगा तो वो भी प्लस का ही cos होगा ना आदित्य। प्रथम कहां पे बोल रहे हो आप बिना आइडेंटिटी, कैसे सबको क्लियर है ना, किसी स्टेप में डाउट है क्या रूपांशु, जैसे लास्ट आइडेंटिटी का यूज ही करते हुए, जैसे अभी लास्ट में हमने डायरेक्टली निकाला निकाल लिया, तो हम आइडेंटिटी का यूज ही क्यों करते हैं, मैं अभी भी आपका पॉइंट समझा नहीं, मैं एक बार आपको अनम्यूट करता हूं, तो प्रथम अच्छा उसमें, लेकिन वो हो नहीं पाएगा आपका अनम्यूट नहीं हो पाएगा, हाँ अब आएगा, अच्छा हैंड रेस करोगे तब आएगा, ओके हाँ बोलो, बोलो अनम्यूट करो तो प्रथम, अनम्यूट क्यों हो गया प्रथम, हाँ
भाई लास्ट का आप बोल रहे हो तो बस मैंने ये बताया लास्ट में तो कि दोनों तरीके सही है, वही मैं बोल रहा हूँ। यदि आप इस आइडेंटिटी की बात कर रहे हो तो दोनों तरीके सही है कि जैसे 1/cos c + cos d लगाना चाहो वो लगा लो आप, है ना, और या फिर यहां से ये 180 - θ करना चाहो ये कर सकते हो। दोनों अल्टरनेट ऑप्शन बता रहा हूं मैं, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। अच्छा एक दो क्वेश्चंस और मैं करवा देता हूँ इसके। ये मेथड 1 है, इसमें लिख लेना मेथड 2 बाद में। अच्छा मैंने एक बहुत ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाद में इसी में ट्रिग्नोमेट्री सीरीज जब अपन लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज जब अपन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज वहां पर। ठीक है, चलो कर लिया। चलो अब इसमें एक दो क्वेश्चन जैसे इस टाइप के आते हैं। जैसे मान लीजिए 3π/4 से लेकर ये पाई दिया हुआ है ना, एक छोटा सा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। √2cot θ + 1/sin²θ इज इक्वल, ठीक है, 3π/4, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 3π/4 से लेकर पाई तक, तो आपको √2cot θ + 1/sin²θ की वैल्यू बतानी है। चलो मैं ऑप्शंस लिख देता हूं इसमें आपके लिए, ऑप्शंस लिख देता हूं, 1+cot θ, 1 - cot θ, -1+cot θ, -1 - cot θ, ठीक है। तुक्का मतलब आना बच्चों, कंसेप्ट सोच के करना आंसर। हाँ एंगल मल्टीपल में, वो जो सेकंड मेथड में बताऊंगा ना अक्षर, वो मल्टीपल वाले का यूज करके ही है अपने पास, है ना, वो जो सेकंड मेथड जो मैं बताऊंगा तो वो मल्टीपल वाले का यूज करके ही है। नहीं गलत है, जिसने भी अभी आंसर बताया है।
अब आ गई सही, अब आ गई क्या स्क्रीन सही हो गई? ठीक है किसी का सही आया आंसर, आयुष का सही आया, वेरी गुड आयुष। श्रेयस का आंसर भी सही आया है, वेरी गुड। आयुष का सही आया, श्रेयस का सही आया है, वेरी गुड। नहीं 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 रुचिता का गलत है, नहीं रुचिता। दिव्यांश सिंह सोलंकी का भी गलत है, ईशान पाटीदार का भी गलत है। ठीक है चलो मैं देखता जा रहा हूं, जिसका सही होगा मैं केवल उसका नाम लूंगा। सबका आंसर मैं देख पा रहा हूं, जिसका सही होगा मैं केवल उसका नाम लूंगा। सबका देखता जा रहा हूं मैं, विधान का देख लिया मैंने, ईशान का देख लिया, अर्णव का देख लिया, सोनू खान का देख लिया, अमन पोनीकर का देख लिया। जिसका सही होगा केवल उसका नाम मैं लूंगा, उसका बता दूंगा। समर्थ गंगराते का आंसर सही आया है, समर्थ गंगराते का। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको थीटा का इंटरवल दिया हुआ है ना, उसने तो किसी पर्पज से दिया होगा, ऐसे मजाक में नहीं दिया उसने थीटा का इंटरवल आपको। जलज, वाह भाई जलज, वेरी गुड जलज। जलज का आंसर भी सही आया है और मैं मान के चल रहा हूं कि सोच के ही करा होगा जलज ने। आंचल का आंसर सही आया, वेरी गुड आंचल। चलो अब मैं बता देता हूं, ठीक है। ऑलमोस्ट सबने आंसर दे दिया क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में तो किसी को कोई फाइट है ही नहीं, बहुत सिंपल सी चीज हो रही है। 2 cot थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया cosec स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा को आपने लिखी दिया होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखकर ये मेरे पास क्या बन गया, हो गया cot थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया होगा। बस इसके बाद वाली स्टेप डिफर करेगी, यदि वो स्टेप सही सोची होगी आपने तो आपका आंसर सही आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। बताओ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को क्या लिखोगे? यस, मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा, मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा, बस यही इस क्वेश्चन की स्टेप। ठीक है, अब मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का रूल मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आना चाहिए कि मॉड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। बस दो चीजें समझनी है मॉड का, मतलब बस दो चीजें मैं समझता हूं कि यदि मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो अपन मॉड डायरेक्ट हटा सकते हैं, और मॉड के अंदर वाली वैल्यू यदि नेगेटिव है तो अपने को माइनस लगाना है। तो आंसर अब दो ही पॉसिबल हो सकते हैं, या तो ए होगा या डी होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? आंसर दो ही पॉसिबल हो सकते हैं, या तो ए या डी, क्योंकि मॉड हटके या तो सीधा प्लस आएगा या मॉड हटके सीधा माइनस आएगा, वो डिपेंड करेगा 1 प्लस कॉट थीटा पर। और 1 प्लस कॉट थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये डिसाइड करेगा थीटा। कॉट थीटा का ग्राफ याद है सबको? सबसे अच्छा ग्राफ से एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है थोड़ा सा। कॉट थीटा का ग्राफ यदि मैं लूंगा तो कॉट थीटा ग्राफ ऐसा होता था बच्चों, याद है कॉट थीटा का ग्राफ? तो इसमें ये तो सबको पता ही है कि पाई बाय 4 पे कॉट थीटा 1 देता था, और बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़े हैं तो यहां पे 3 पाई बाय 4 पे माइनस 1 देगा, 3 पाई बाय 4 पे माइनस 1 देगा, है ना। अब आप ध्यान से देखना अपने थीटा का इंटरवल कहां से कहां तक है, 3 पाई बाय 4 से पाई तक, है ना, 3 पाई बाय 4 से पाई तक, मतलब यहां से लेके यहां तक। ध्यान से देखो बच्चों, थीटा मेरा यहां से लेके यहां तक है, दिख रहा है ना कि ग्राफ बड़ा बनाऊं, दिख रहा होगा वैसे तो, यहां से यहां तक, और यहां से लेके यहां तक ग्राफ नीचे जा रहा है, तो क्या लगता है वैल्यू माइनस 1 से कम हुई कि ज्यादा हुई? वैल्यू माइनस 1 से कम हुई कि ज्यादा हुई? ठीक है, कम हुई, राइट राइट, नीचे जा रहा है ना, माइनस 1 से भी नीचे गया,
इट मींस कॉट थीटा की वैल्यू माइनस वन से कम आ रही है इस वाले थीटा के लिए। बस हो गया अपना काम। तो इसको लोगे तो वन प्लस कॉट थीटा लेस देन जीरो आएगा, और अपना रूल बोलता है कि यदि वैल्यू नेगेटिव है तो मोड हटा के आपको माइनस लगाना है। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज दैट इस क्वेश्चन में पॉइंट ये है, तो चलो क्वेश्चन तो हो गया अपना, पर अब आपको ये समझना है आगे के लिए। ये तो मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन दिया था कि कोइंसिडेंटली अभी अच्छी बात ये हो गई कि मैंने जो इंटरवल आपको थीटा का दिया था उस इंटरवल के अकॉर्डिंग 1 प्लस cos थीटा इज ऑलवेज नेगेटिव। पर ऐसा भी तो हो सकता था कि जो इंटरवल अभी मान लो मैं इसको 3 पाई बाय 4 की जगह कोई और वैल्यू ले लेता, इधर पाई बाय 2 तक चला जाता, ठीक है, तो फिर दिक्कत ये होती कि 1 प्लस cos थीटा कभी पॉजिटिव भी हो सकता था और 1 प्लस cos थीटा कभी नेगेटिव भी हो सकता था, है ना। आ रही बात समझ में मेरी? जैसा फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन में ये थीटा हटा के अब मैं आपसे ऑप्शंस देता हूं, दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं मैं, ठीक है। ग्राफ तो मिटा दूं ना, ग्राफ की जरूरत नहीं। अब ये थीटा भी हटा देता हूं, ये चलो ग्राफ बने रहने देता हूं, ग्राफ से आप आंसर बताना क्योंकि, और इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए अब आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, यदि तो आप क्या करते हैं उस केस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मोर देन वन करेक्ट वाले में, ठीक है, वन प्लस कॉट थीटा तो मैंने बताई दिया, दो वन प्लस कॉट थीटा लिख देता हूं इसमें भी, और इसमें माइनस वन माइनस कॉट थीटा लिख देता। हालांकि ठीक है अभी अपन ने कर लिया है तो मेरे ख्याल से अभी तो सबको आ ही जाएगा समझ में, पर ठीक है फिर भी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा। लेट से यहाँ पे मैंने बोला थीटा 3π/4 से लेकर पाई तक, यहाँ पे थीटा बोला मैंने 5/2 से लेकर 3π/4 तक, ठीक है, और इसके साथ में थीटा 3π/4 से पाई तक, थोड़ा सा ये लाइट दिख रहा है मैं बोल देता हूं, ठीक है ना, गीला हो रहा है इसलिए। 1 प्लस cot थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 3π/4 से लेकर पाई तक, ठीक है, मतलब ये इंटरवल है, ये दोनों इंटरवल सेम है और ये दोनों इंटरवल सेम है, ठीक है। चलो अब क्या क्या आंसर बताते हैं आप बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी भी ऑप्शन सी बताते, केवल मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, एक से ज्यादा ऑप्शन यदि सही करने होते हैं तो आप क्या आंसर बताते हैं? नहीं आई क्या बात समझ में? सी एंड डी बता रहे हो अभी, परो पाटीदार, ए सी बी सी, अरे एक आंसर तो अभी डायरेक्टली लिखा हुआ है, एक तो अभी अपन ने लिखा ही सही, आपके तो यही आंसर आइडेंटिफाई करना, ये तो अभी लिखा ही अपन ने आंसर, ये वाली चीज तो अभी करी अपन ने आंसर, बी और सी होगा ना, बी और सी होगा कि नहीं होगा, पर सी तो अभी कराई है ना अपन ने, 3π/4 जब थीटा अपन 3π/4 से पाई तक ले रहे थे तो माइनस और माइनस कॉट थीटा आया, है ना। और अब बात यह है कि चलो ये तो 3π/4 से पाई का हो गया, अब पाई बाय 2 से 3π/4 की यदि मैं बात करूं, पाई बाय 2 ये एक्चुअली पाई बाय 2 मैंने लिखा नहीं है, हो सकता आप इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूं, तो पाई बाय 2 से 3π/4 जब आप देख रहे होंगे ना बेटा, तो आपकी वैल्यू 0 से माइनस 1 आ रही है, 0 से माइनस 1 आ रही है, मतलब जब थीटा आपका पाई बाय 2 से लेकर 3π/4 तक है, थीटा पाई बाय 2 से लेकर 3π/4 तक है, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू आ रही थी ग्रेटर देन माइनस 1 आ रही थी, तो 1 प्लस कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव आ रहा था, तो इसलिए उस केस में डायरेक्ट मोड हट जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर बी और सी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें बताओ, नहीं है, बढ़िया आगे चलो, वेरी गुड, ठीक है। तो इसलिए ना देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप एक चीज से थोड़ा सा ना आपको ना बाहर आना पड़ेगा,
ठीक है, एक्सप्लेन अगेन, तो भयंकर किसने लिखा? ओ सोनू खान ने लिखा था भयंकर, अच्छा दिव्यांशु ने नहीं लिखा। चलो एक बार मैं और भयंकर एक्सप्लेन कर देता हूँ दिव्यांशु, ठीक है। लास्ट स्टेप बोल लो, लास्ट स्टेप भाई, ये वाली चीज पहले वाला क्लियर था कि नहीं दिव्यांशु? पहले वाला क्लियर था ना, ठीक है। चलो तो अब ये वाला पार्ट बता देता हूँ। ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ देख रहे हो, तो ग्राफ में जब आप पाई बाय टू से थ्री पाई बाय फोर ले रहे हो, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय फोर, तो ये वैल्यू जीरो से माइनस वन आ रही है। ध्यान से देखो ग्राफ, बड़ा करूंगा कि दिख जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ जा रही है, तो सीधा सीधा यूं समझो, जब वैल्यू पाई बाय टू से थ्री पाई बाय फोर है तो कॉट थीटा की वैल्यू जीरो से माइनस वन है। जीरो से माइनस वन मतलब माइनस वन से बड़ी होगी, माइनस वन से बड़ी होगी ये है। तो जब मैंने थीटा की वैल्यू पाई बाय टू से थ्री पाई बाय फोर ली है, तो सीधे सीधे मैंने एक बात लिखी है कि कॉट थीटा की वैल्यू माइनस वन से बड़ी है, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू माइनस वन से बड़ी है मतलब वन प्लस कॉट थीटा पॉजिटिव है, और वन प्लस कॉट थीटा पॉजिटिव होने का मतलब ये तो बात समझ में आती है कि मॉड डायरेक्ट हट जाएगा उस वाले केस में। वन प्लस कॉट थीटा पॉजिटिव होता है तो अपन मॉड डायरेक्टली हटा सकते हैं। आई की नहीं बात समझ में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो है ना देखो ट्रिग्नोमेट्री में अब एक चीज थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करनी है। अभी तक क्या होता था, जनरली अपन टेंथ तक की जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करते थे, तो आपको क्या है ये सब चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी भाई, जीरो से नाइनटी ये सब चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव से डील कर रहे हैं अपन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब ये क्वाड्रेंट का खेला नया चालू हो जाता है, तो स्पेशली किसी भी प्रॉब्लम में यदि उसने थीटा का कोई इंटरवल दिया हुआ है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वो इंटरवल उसने दिया है मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरवल मेरी किसी वैल्यू या किसी एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर रहा होगा, इसलिए अपने को उसने ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ए टू विद्या पे नहीं पता अभी तो, ग्रामीण कुछ पाई बाय फोर से पाई तक जैसे क्वेश्चन आए तो मोड को हटाने के लिए क्या करेंगे? हाँ तो मोड को हटाने के लिए बेटा वही करना पड़ेगा अक्षर। देखो अभी क्या हुआ, इसीलिए मैंने बोला था अभी तो क्वेश्चन आपके लिए इजी इसलिए बन गया था कि मैंने सीधा सीधा इंटरवल ही ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। सीधा इंटरवल ऐसा दिया हुआ था कि आपको उस इंटरवल में पॉजिटिव या नेगेटिव दिख गया। मान लो कभी आपको इंटरवल ऐसा दिया होता कि किसी पार्ट के लिए वो पॉजिटिव आता किसी पार्ट के लिए नेगेटिव आता, तो आप क्या करते हो मोड में बताओ? ब्रेक करते हो ना, जैसे अपने मोड वाले क्वेश्चन में क्या करा था, ब्रेक करते हैं बस। तो बिल्कुल ऐसा कैसा अपने को ब्रेक करना है, ठीक है, राइट। चलो तो अच्छा एक क्वेश्चन पहले आप ये वाला भी करके बताओ, देखें जैसे अभी अपन ने cos 20 वाला करा था, तो एक ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ, इसका आंसर आता भी होगा तो भी एक बार दोबारा कर लेना, ताकि फॉर्मूले साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80, सेम क्वेश्चन जो कॉस में करा था साइन में, अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, आता भी हो तो दोबारा कर लो कोई बात नहीं है। और एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं इसके साथ में, इफ एन टेन थीटा माइनस 30 डिग्री is equal to n tan theta plus 120 degree and cos 2 theta is equals to lambda times m plus n upon n minus n, तो lambda की value बतानी है आपको। ऐसे मॉड्यूल के सॉल्यूशन रहते नहीं है ईशान, मॉड्यूल के सॉल्यूशन रहते नहीं है एक्चुअली, वो तो ये मॉड्यूल के जो सॉल्यूशन है ना वो तो इस बार हम दे रहे हैं, नहीं तो जनरली मॉड्यूल के सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, ऐसे आंसर्स रहते हैं, बाकी आपको खुद से करना है, जो डाउट आता है वो पूछो। वो तो क्या इस बार ठीक है, वो ऐसा है मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो इसलिए, नहीं तो मॉड्यूल वगैरह अपन क्लास में डिस्कस करते हैं, जनरली मॉड्यूल क्या है जनरली अपन क्लास में डिस्कस करते हैं। रूट की फॉर्म में बता दो आंसर, रूट की फॉर्म में विधान, ऐसे कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा।
हाँ आयुष सही है सही है। रुचिता थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, एक बार चेक कर लो कहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड में। दिव्यम आपका भी कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। पर पाटीदार का सही है आंसर, पर पाटीदार का आंसर सही है। आसिम आपका भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, छयान का भी कैलकुलेशन गड़बड़ है, अक्षत दशोरे का आंसर सही है, यश आपका भी कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। नहीं, एक मिनट, उल्टा बोल दिया मैंने। जिसका नाम लिया उसका सही है, जिसका नहीं लिया वो गड़बड़ है एक्चुअली, ठीक है ना। अक्षत आपका गड़बड़ है, यश का सही है, छयान जिसका मैंने नाम लिया वो सही है, अक्षत आपका गड़बड़ है, वो एक अक्षत का गड़बड़ है। छयान का सही है, आसिम का सही है, पर पाटीदार का गड़बड़ है, छयान आसिम पर पाटीदार गड़बड़ है, रुचिता का गड़बड़ है, अक्षत का सही है, अक्षत का गड़बड़ है, तानिश का सही है, नहीं जलज का गड़बड़ है, कुहू का सही है, आसिम का सही है, नहीं ईशान बन तो नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, अभी जैसा अपन ने जो कॉस वाला क्वेश्चन करा था ना, सेम ही तो प्रोसेस है ना, बस ये है कि वो फॉर्मूले इसमें कॉस के लगाने पड़ेंगे, आपको फॉर्मूले कॉस के लगाने पड़ेंगे। दिव्यम जी किसका आंसर बताया आपने, मोहित का सही है, हाँ तब तो सही आंसर, ओके वेरी गुड। नहीं दिव्यांश, नहीं प्लस माइनस का तो कोई फाइट नहीं है, अक्षर प्लस माइनस की फाइट नहीं है कहीं फॉर्मूले में, प्लस माइनस की तो फाइट नहीं है। हाँ शशांक का सही आ रहा है, स्पर्श व्यास का सही आ रहा है, रूपांशु का भी सही आया है, ओम का भी सही आया है, वेरी गुड। नहीं पर पाटीदार, पर वैल्यू आएगी ऐसे कॉस कॉस की फॉर्म में नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। उत्कर्ष आपका भी गड़बड़ आ रहा है, रूट दिव्यांशु का सही है, अरे जबरदस्ती क्यों यार, ठीक है क्लास चलते हैं, मजा लीजिए, किसी के ऐसे कोई मजे लेते हैं क्या। पार्थ का सही है, सोनू खान का सही है, अभी
हो गया फर्स्ट वाला। चलो मैं बता देता हूँ जिसका हुआ, थोड़ा बस बस वो फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई होगी, बाकी तो सही है। ठीक है, जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, जिसकी वैल्यू है चलो वो तो अपन रख ही देते हैं, है ना। साइन 60 की वैल्यू √3/2 रख दी, तो ये मेरे पास आ गया साइन 80, साइन 40, साइन 20, √3/2। ठीक है, साइन 80 वही बिल्कुल सेम प्रोसेस से चलते हैं। लेट्स से मैं साइन 80 को ले लेता हूं बाहर, साइन 80 को बाहर ले लिया, साइन 40, साइन 20 आ गया, देन इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एक्चुअली साइन के फॉर्मूले भी थोड़े से ना कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए भी वो गड़बड़ होने का चांस रहता है। √3/4 साइन 80, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है ना, ठीक है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। रूपांशु सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस 60 हो गया 1/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे यदि √3/4 साइन 80 कॉस 20 माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, यहां पे √3/4 साइन 80 कॉस 20 मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, अब कितना आएगा, √3/8 साइन 80 आएगा। ठीक है ना, यहां तक बस। अब यहां पे फॉर्मूला बना लेते हैं अपन, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी यदि मैं लगाऊंगा √3/8 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, नहीं सॉरी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा ना, 2 साइन ए कॉस बी वाला लगेगा। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी करोगे, साइन ए प्लस बी हो गया साइन 100, है ना, एंड प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो प्लस साइन ए माइनस बी आ गया साइन 60। ठीक है, और माइनस √3/8 साइन 80 आ जाएगा। तो अब इसमें भी क्या होगा, बिल्कुल सेम, देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 हो गई ना साइन 60 की वैल्यू, तो √3/2 इंटू √3/8 3/16 हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 3/16 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना कैंसिल, क्योंकि साइन 100 इज इक्वल टू साइन 80 होता है, तो ये दोनों वैल्यू तो बिल्कुल सेम हो गई, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये आपके पास 3/16 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं दिव्यांशु? वेरी गुड। सेकंड वाले का आया क्या आंसर, सेकंड वाले का आंचल का आंसर सही है सेकंड, वेरी गुड, सेकंड का आंसर सही है आंचल। सेकेंड वाला आएगा चयन, सेकेंड का आंसर कितना है, हाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा।
लास्ट लाइन में साइन 100 है, रूट 3 बाय 8 साइन 100 प्लस साइन 60 माइनस रूट 3 बाय 8 साइन 80 इज इक्वल टू 3 बाय 16 साइन 180 माइनस 80 करके, वही 180 माइनस 80 करके और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, स्विच ऑफ। सही है यश, सेकंड वाले में यहां से टारगेट बनाओ, देखो ये दिख रहा है m बाय n आ जाएगा, m बाय n के बाद ये लाने का तो एक तरीका याद आ रहा है कंपोनेंटो डिविडेंडो, m प्लस n m माइनस n लाने का तो सबसे अच्छा तरीका m बाय n बना लो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, नहीं विधान यशोधर तोमर का सही है, यशोधर तोमर हाँ 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 टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब जैसे ना ऐसे क्वेश्चंस में आप है ना एक काम कर लिया करो, जैसे मैं बताता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ इसको कि अब मैं टारगेट कैसे करूंगा, जैसे मुझे इससे ये लाना है पहली चीज तो सबसे पहले तो मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है m प्लस n m माइनस n सबसे इजी समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलो एक मिनट और ले लो, एक मिनट और बोल रहा अक्षर, हाँ हाँ सही है सही है। चलो आप कर लेते हैं अपन, तो मैं ये बता रहा हूं जैसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या है ना, अब जैसे मैंने मान लो m बाय n में लिखूंगा तो m बाय n, m को इधर ले लिया और n को इधर ले लिया तो कितना आ गया tan थीटा प्लस 120 अपॉन tan थीटा माइनस 30, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कंपोनेंट और डिविडेंड को लगाएंगे तो दिस प्लस दिस आएगा, दिस माइनस दिस आएगा, है ना भाई, ये तो मेरा तो सीधा सीधा फंडा यही है कि ये लगाना है। तो अब दिस प्लस दिस आने में, दिस माइनस दिस आने में, टेन का तो सीधा मेरे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला साइन का ही है सीधा सीधा, हाँ आंसर वन बाय टू, आंसर है वन बाय टू सही, जिसका भी वन बाय टू आ रहा है। तो मैं तो एक काम करता हूँ, पहले तो इसको लेट्स से मैं इसको ए मान लेता हूँ और लेट्स से इसको बी मान लेता हूँ, सबसे अच्छा है ना, कभी भी ऐसा बड़े बड़े एंगल आए ना पहले तो उसको कुछ मान लो, ठीक है। तो टेन ए हो गया, टेन ए को लिख लेता हूँ मैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको लिख लेते हैं अपन साइन बी अपॉन कॉस, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, इसको ए मान लिया मैंने, इसको बी मान लिया ताकि वो फॉर्मूला लगाना और ये इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो अब कंपोनेंट और डिविडेंडो तो अब आया कि नहीं सबको, कंपोनेंट डिविडेंडो में फिर मैं बोल रहा हूँ, देखो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कंपोनेंट और डिविडेंडो हमेशा दो रेशो जब इक्वल होते हैं ना तभी लगता है, केवल एक रेशो दिख जाता है ना वहां पर नहीं लगता कभी भी, है ना। दो रेशो मतलब एक चीज इधर लिखी हुई है एक चीज इधर लिखी हुई है तब कंपोनेंट और डिविडेंड लगता है, एक अलग से लिख दिया उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं लगता है। तो व्हाट इज कंपोनेंट और डिविडेंड, दिस प्लस दिस, दिस माइनस दिस, इधर से बात करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन सेम चीज आ गई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस अब सबसे अच्छी बात यही हो गई। देखो अभी उसमें इतना फॉर्मूला आपको दिखता नहीं, यहां से देखो कितना अच्छा फॉर्मूला दिख रहा है मुझे कि अरे ये तो सीधा साइन ए प्लस बी बन गया और ये अपने पास सीधा साइन ए माइनस बी बन गया,
है ना। तो a प्लस बी अब कर दो, दिस प्लस दिस करेंगे तो कितना आ रहा है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा वहां पे देख लेना ना, दिस प्लस दिस करेंगे तो 90 प्लस 2 थीटा आएगा ना, और a माइनस बी करोगे, a माइनस बी करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास, 120 प्लस 30 150 आ जाएगा। ठीक है बस, तो साइन 150 को इधर ले जाओ और साइन 90 प्लस 2 थीटा कितना हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 150 इनटू m प्लस n अपॉन m माइनस n, और साइन 150 की वैल्यू कितनी 1/2 निकालोगे ना वैल्यू, तो 180 माइनस 30 करके निकाल सकते हो, 180 माइनस 30 तो साइन 30, या 90 प्लस 60 करके निकाल सकते हो कॉस 60। क्लियर है कि नहीं स्टेप्स? ठीक है, मतलब ये तो अभी बहुत एलिमेंट्री टाइप की चीजें आपने चल रही है, मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी मतलब फॉर्मूले तो इतने सारे है ना कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लास्ट वाली ये वाली क्या मतलब, ये समझ में आ गया ना, देखो कंपोनेंट डिवाइड टू लगाया, दिस आ गया, दिस आ गया यहाँ तक, इसके बाद इसको साइन ए प्लस बी लिख दिया, इसको साइन ए माइनस बी लिख दिया, यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। ए प्लस बी, बस ए प्लस बी की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकाली तो 90 प्लस 2 थीटा, और ए माइनस बी की वैल्यू निकाली, ए माइनस बी की वैल्यू तो 150 निकाली, तो बस सीधे सीधे समझो ना, एम प्लस एन एम माइनस एन इज इक्वल टू दिस वन, और साइन 90 प्लस 2 थीटा, साइन 90 प्लस 2 थीटा इज द कॉस 2 थीटा, अच्छा वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, साइन 90 प्लस 2 थीटा इज द कॉस 2 थीटा, एंड दैट इज साइन 150 की वैल्यू 1/2, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू 1/2 इनटू दिस आ जाएगी, मतलब मैंने इसको और इसको सीधा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। चलो अब फॉर्मूले लेते हैं, और क्वेश्चंस कर लिए बहुत अपन ने, फॉर्मूले लेते हैं 2 थीटा वाले फॉर्मूले, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। अच्छा उससे पहले मैं एक फॉर्मूला और दिया हुआ है मॉड्यूल में, हालांकि अपने को जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आपके गुरुजी का मैथ्स के गुरुजी का नाम सर साइन 150 कैसे आया, सर साइन 150 कैसे आया, साइन 150 कैसे आया ये पूछ रहा तुम दिव्यांशु, साइन 150 को निकाला अपने 180 माइनस 30 करके, दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए यार तुमने, साइन 150 को 180 माइनस 30 करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा साइन 30 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। साइन ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए प्लस बी प्लस, जैसे अपन ने साइन ए प्लस बी लिया है, ठीक है, टेन ए प्लस बी लिया, ऐसे साइन ए प्लस बी प्लस सी के भी फॉर्मूले होते हैं, हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको अपने को ना याद रखने के लिए, टेन वाला याद रखना, आपको टेन वाला जरूर आपको याद रखना है, लेकिन साइन और कॉस वाले को अपने को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, है ना, आप केवल निकालने का मेथड समझ लो, और थोड़ा सा वो फॉर्मूला ऐसा आएगा कि आप चाहो तो एक थोड़ा सा आइडिया अपने दिमाग में रख सकते हो कि अच्छा इस टाइप का है थोड़ा सा, और कैसे जैसे अब तो मेन क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो आ गए, हर चीज अब उससे निकलेगी, अब हर चीज उससे निकलेगी, घूम फिर के नया कुछ भी नहीं है उसमें, मतलब इवन आप सोचो ध्यान से, तो अपन तो घूम फिर के हर चीज मैंने साइन ए प्लस बी से ही निकाली है, शुरू से साइन ए प्लस बी का डेरिवेशन करा, उसके बाद हर चीज अपन साइन ए प्लस बी उसमें माइनस कर दिया, उसी में ऐड कर दिया, उसी में वो कर दिया, उसी को वैल्यू मान लिया अपन ने, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, लेट्स से इसको मैं एक बी मान लेता हूँ पूरा का पूरा, इसको बी मान, तो इसको बी मानेंगे तो साइन ए प्लस बी होता है मेरे पास साइन ए कॉस बी, बी मतलब बी प्लस सी, प्लस कॉस ए साइन बी,
तो साइन ए कॉस बी आ रहा ना, समझ साइन ए प्लस बी का लगा दिया, बी प्लस सी को बी मान लिया अपन ने, है ना। कॉस बी प्लस सी भी क्या होता है, कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस सी क्या होता है बेटा, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी होता है, ठीक है राइट। बस मल्टीप्लाई कर दो और क्या, और कुछ अलग से बोलना करना है ना। तो थोड़ा सा बस सिस्टमेटिक याद रखोगे तो ऐसा दिखेगा, देखो एक टर्म आई साइन ए कॉस बी कॉस सी की सबसे पहली टर्म, है ना, ये टर्म लिखी, फिर बाकी ये दोनों टर्म लिख रहा हूं मैं, प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी की प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी की, है ना, और एक टर्म यहां से माइनस किया जाएगी, माइनस साइन ए साइन बी एंड साइन सी, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी, माइनस साइन ए साइन बी एंड साइन सी, जैसे आप फॉर्मूला देखो ना तो फॉर्मूले में एक चीज समझ में आएगी, क्या हुआ होगा फॉर्मूले में कि जो शुरू की तीन टर्म है उसमें दो कॉस एक साइन चल रहा है, दो कॉस एक साइन, दो कॉस एक साइन, दो कॉस एक साइन, और लास्ट की तीनों टर्म में साइन आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है, ना। तो एक हल्का सा आइडिया रख लो दिमाग में, बाकी और कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है ना, 90 प्लस 2 थीटा साइन के लिए बोल रहे हो क्या, माइनस कॉस 2 थीटा, रूपांशु या साइन के लिए बोल रहे हो कि कॉस के लिए बोल रहे हो, साइन 90 प्लस 2 थीटा कॉस 2 थीटा जो है वो साइन के लिए बोल रहे हो कि नहीं, इधर क्या लिखा हुआ, साइन लिखा हुआ है कॉस, तो साइन के लिए तो प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा, साइन के लिए तो प्लस आएगा, साइन 90 प्लस 2 थीटा तो प्लस आएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन पूछ रहा था शायद, हाँ वो तो ठीक है, मैं समझ b प्लस सी को b माना, तो अगर और वैल्यूज भी हो जैसे b प्लस सी तो सबको b मान के सॉल्व, हाँ कर सकते ठीक है ना, उसको भी कर सकते हो राइट, मतलब अब जैसे वो a प्लस b प्लस सी प्लस b करना होगा तो इसको b मान लो, इसको ये मान लो, या इस पूरे को b मान लो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो फिर b प्लस c प्लस d के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, इसको ये मानना ज्यादा आसान है, इसको b मानना ज्यादा आसान है, ऐसा ही एक टेन ए प्लस बी प्लस सी का, कॉस का मैं नहीं बता रहा हूँ, कॉस वॉस का नहीं बता रहा हूँ, है ना, जरूरत भी नहीं पड़ती, मतलब ये भी मुझे तो याद नहीं है किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी हो आज तक, ठीक है, मतलब जरूरत पड़ती भी है तो वो तो क्या एक मिनट में अपन निकाल लेते हैं, उसमें कुछ ऐसा पड़ा है भी, ठीक है ना, तो बहुत मतलब रेयर होता है, इस क्वेश्चन में कभी जरूरत पड़ भी जाए तो निकाल लो आप, सबसे अच्छा याद रखने का काम है तो कम से कम करना अपने को। हाँ अब जैसे टेन ए प्लस बी, इसको जरूर मैं बोलूंगा, इसको याद रख लेना, टेन ए प्लस बी प्लस सी को जरूर याद रख लेना, तरीका वापस वही है इसको भी निकालने का, ठीक है, कि b प्लस सी को मैं b मान लेता हूं, तो b प्लस सी को यदि b मान लेंगे तो याद ना tan का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, ये आ गया मेरे पास tan a ऐसा का ऐसा प्लस टेन बी प्लस सी, यदि करेंगे तो टेन बी प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन बी टेन सी आ जाएगा अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी प्लस सी, कितना आ जाएगा टेन बी प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन बी, ठीक है, आई बात समझ में, इसको b माना मैंने तो tan a प्लस बी ऐसा हुआ, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, फिर tan b प्लस सी का ये फॉर्मूला ऐसा वैसा लगा दिया, ऐसे यहां पे भी tan b प्लस सी का फॉर्मूला ऐसा वैसा लगा दिया, ठीक है। अब एलसीएम ले रहा हूं मैं, ठीक है, एलसीएम लेके डायरेक्ट लिख दूं क्या, ठीक है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा एलसीएम लेके, हाँ
तो क्योंकि अब कुछ नहीं, डिनोमिनेटर तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे प्लस, नहीं 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 आप कंफ्यूज हो रहे हो, प्रथम प्लस वाले में ऊपर प्लस रहता है, नीचे वाले में माइनस ही रहता है, ऊपर वाले में प्लस ही रहता है, नीचे वाले में माइनस ही रहता है ना। तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो बस मैं सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, tan of a plus b plus c is equal to tan a into 1, यहां से tan a आया, plus tan b plus tan c, इसको पहले लिख रहा हूं मैं ताकि सिस्टमेटिक दिखेगा फॉर्मूला, माइनस tan a को इससे करेंगे, tan a tan b tan c, ये हो गया, ठीक है। टेन ए इंटू वन ये कर लिया, दिस कर लिया, और टेन बी प्लस टेन सी सर यहां पे करोगे तो वन इंटू दिस जाएगा, तो वन इंटू वन तो वन आ ही जाएगा, माइनस यहां पे टेन ए टेन भी आएगा, टेन ए टेन सी भी आएगा, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टेन बी टेन सी भी आ जाएगा, तीनों माइनस के आएंगे, तीनों माइनस के आएंगे, तो वन माइनस टेन ए टेन बी आएगा, 10b 10c आएगा, और 10c 10a आएगा, दिस इज 10a प्लस b प्लस c। और ये वाला फॉर्मूला फिर भी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रखता भी है, यूज भी करते हैं इसको अपन, और याद रखना भी आसान है आपके लिए, इसमें टर्म्स जो है वो रिलेटेड आएगी, ठीक है। चलो पहले एक बार इसको लिख लो, फिर कोई डाउट हो तो अपन डिस्कस करते हैं इसको फॉर्मूले को, इसमें एक दो चीजें और मुझे बतानी है अभी, ठीक है। पहले इसको लिख लो आप, हाँ वो तो दोनों में साइक्लिक दिखेगा, हाँ आते हैं ना बेटा, बीजी इशू डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना। शीट 59 का सॉल्यूशन अभी मैंने करा नहीं क्या शेयर, मैं कर दूंगा। अच्छा वो सैटरडे को करा होगा तो कल करना भूल जाऊंगा, मैं भी करता हूँ क्लास के बाद। कर दिया है क्या, कोई तो बोल रहा है कर दिया है, कोई बोल रहा है नहीं करा, कर दिया, सिर्फ ऑप्शन है उसमें। अच्छा सॉल्यूशन नहीं है क्या ऐसा, अच्छा ओनली आंसर की करिए क्या, ठीक है चलो मैं देख लेता हूं, मैं अभी क्लास के बाद तुरंत देख लूंगा पहले, है ना। चलो तो ये तो मैं मिटा देता हूं, और इसको अपन डिस्कस करते हैं टेन ए प्लस बी प्लस सी वाले को। हम्म,
तो एक तो जैसे आप है ना ध्यान से एक चीज समझना, ठीक है, एक चीज आप ध्यान से समझना कि सॉल्यूशन लिखा है ऑप्शन के नीचे, ठीक है, एक चीज जैसे आप ध्यान से समझना कि ये टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है, ठीक है, और टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला वो क्या आया था मेरे पास, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ऐसा आया था है ना, और ये फॉर्मूला ये आया था, ठीक है। आप दोनों को यदि ध्यान से समझना, ठीक है ना, इसको क्या मैं जनरलाइज करने वाला हूं, इसको जनरलाइज करेंगे आगे और जगह भी यूज होता है। देखो इसमें क्या क्या आया फॉर्मूला में, इसमें टेन ए प्लस टेन बी और टेन ए टेन बी, दो चीजें आई है ना, टेन ए प्लस टेन बी आया, टेन ए टेन बी आया, इसमें तीन चीजें आई, यदि आप ध्यान से देखो इसमें तीन चीजें दिखेगी आपको, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी है ना, और यहां पे यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसी टर्म आ रही है, कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप, किस टाइप की टर्म आई, उसमें दो टर्म आई थी, इसमें तीन टर्म आई, टेन ए प्लस टेन बी आया, इसमें टेन ए टेन बी आया, ठीक है, और इसमें टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी आया, ठीक है, टेन ए टेन बी टेन सी आया, टेन ए टेन बी टेन सी, हाँ साइक्लिक नहीं, वो अपनी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला, इसमें ये मान लो कि यदि मैं इसको अल्फा और इसको बीटा बोलूं तो इसमें अल्फा प्लस बीटा आया और अल्फा बीटा आया, और जब तीन के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आया, यदि मैं इसको टेन इसको अल्फा इसको बीटा इसको गामा बोल दूं तो, और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आया, अगली बात समझ में, और ये आगे भी फॉलो होता है, हाँ ये पैटर्न पूरा फॉलो होता है बेटा, ये पैटर्न पूरा फॉलो चलता रहता, आप फोर के लिए लिखोगे उसमें भी आएगा, फाइव के लिए लिखोगे ऐसा आएगा अपने पास, एन के लिए लिखोगे एन के लिए भी आ जाएगा, मतलब है ना, और वो ऐसे चलता है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, प्लस माइनस में, ऊपर नीचे, प्लस वाला ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, अल्फा प्लस बीटा, जैसे यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब आप इस वाले फॉर्मूले को आप देखोगे तो कैसा आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऊपर आया, फिर उसके नेक्स्ट वन माइनस पक्का है, वन माइनस पक्का है, फिर उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आया, और उसके बाद यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा गामा, ऐसा। अब जैसे नेक्स्ट टर्म आती ना, नेक्स्ट में फिर उसमें नीचे आ जाता प्लस का, नीचे एक प्लस का आ जाता, फिर नेक्स्ट माइनस ऊपर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। क्वेश्चंस में इसका सिग्निफिकेंस ऐसा हो सकता है बेटा, मैं बताता हूँ, हाँ क्वेश्चंस में इसको यूज कैसे कर सकते हो आप, कि मान लो मैं आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दूं जिसके रूट्स टेन ए टेन बी और टेन सी हो, ठीक है, समझना, मैंने मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन दे दी, लेट्स से मैंने एक क्यूबिक इक्वेशन लिख दी कुछ भी, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और मैं आपसे बोलूं कि इसके रूट्स टेन ए टेन बी टेन सी है, तो आप मेरे को टेन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, बता सकते हो बहुत इजीली, टेन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बता सकते हो ना इससे, यदि इसके रूट्स टेन ए टेन बी टेन सी है, तीनों की वैल्यू पता है, डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे अपन, वहां पर सिग्निफिकेंट इसको यूज कर सकता है, ठीक है ना, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टेन इसको जरूर याद रख लेना, टेन वाले फॉर्मूले को, भले आप साइन वाले को मत याद रखना, नेक्स्ट अब अपन इसमें लेते हैं मल्टीपल एंगल्स वाले फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। क्यों आदित्य कल करेंगे? दो पांच मिनट अब कितने, 2:42 तो ही गया, 3-4 मिनट और ले लेते हैं, 3-4 मिनट छोड़ देंगे। क्यों आज क्या, आज तो मंडे यार, आज तो शुरू हुई है, कल छुट्टी थी, कल छुट्टी मिली होगी और अभी वो 15 अगस्त की भी छुट्टी आ जाएगी, उसमें क्या है? ओके रूपांशु थैंक यू। किसकी बर्थडे है? पार्थ की। अरे वाह, चलो पार्थ को हैप्पी बर्थडे बोल दो सर। किसकी? वैभव दूध की बर्थडे। और किस किस की बर्थडे? वैभव दूध की बर्थडे। एक तो वी ए आई वैभव दूध की बर्थडे है और पार्थ, पार्थ नीमा की, पार्थ पाटीदार की, पार्थ नीमा की और ईशान सोनी की भी बर्थडे। अरे मजे तो नहीं ले रहे हो सब ऐसे टाइम पास करने के लिए है? कि सब बर्थडे बर्थडे कर देंगे। पार्थ नीमा की, पार्थ नीमा की, पार्थ नीमा की और ईशान सोनी की और सोनू खान। अरे सोनू खान की तो नहीं है, झूठ बोल, सोनू खान ठीक है। चलो इन सबको एक तरफ से मेरी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे एक एक बार सबको, सबके लिए सब ताली बजा दो एक बार, इनके लिए, तीनों के लिए। सोनू खान का भी नाम लिख दो। अरे सोनू खान एक तो नाम गलत लिखा, नाम लिखवा रहे हो बस। हाँ भाई सबने आपको हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है, सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है ठीक है ना। चलो हो गया टाइम पास बहुत। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल ठीक है। अब क्या है कि मल्टीपल एंगल में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स की, अभी तक अपन क्या है, दो एंगल्स को प्लस या माइनस से डील करते थे। अब यहां पे क्या होगा, एंगल्स का मल्टीपल एंगल, मल्टीपल मतलब थीटा की जगह 2 थीटा, एंगल डबल, एंगल हाफ, एंगल ट्रिपल, ऐसे ठीक है, एंगल डबल। तो करना कुछ नहीं है, अपने पास जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, उसमें ए इज इक्वल टू बी कर, उसमें ए इज इक्वल टू जी कर ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो था कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था बिल्कुल ऐसे ही वो भी था मेरे पास, टेन ए प्लस टेन बी एंड वन माइनस टेन ए टेन। ठीक है, तो इसमें बस आपको a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू लेट्स से थीटा कर देता हूं, जनरली अपन थीटा के टर्म्स में याद रखते हैं उसको, है ना, तो जनरली अपन थीटा के टर्म्स में याद रखते हैं। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा करा तो फर्स्ट फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, यहां पे थीटा यहां पे थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, है ना। सेकंड वाले में क्या आएगा, cos 2 थीटा में, cos 2 थीटा वाला मोस्ट कंफ्यूजिंग फॉर्मूला, cos 2 थीटा बहुत सारे बन जाते हैं, cos 2 थीटा, cos थीटा into cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा into sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तीन फॉर्म बनेगी, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
हालांकि देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचो कि कैसे पता लगेगा हमें फर्स्ट वाला यूज करना है सेकंड वाला, नहीं कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कहीं पे। इन केस आप ये यूज कर भी लोगे तो बाद में फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करके ये कन्वर्ट हो जाता है, या साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके ये कन्वर्ट हो जाता है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना, राइट। मतलब जनरली ट्रेंड ये चलता है कि जैसे आपको जब साइन के टर्म्स में ही लाना हो केवल साइन के टर्म्स में तो ये वाला लाना, केवल कॉस के टर्म्स में लाना हो तो ये लाना, ठीक है। एंड द लास्ट टेन टू थीटा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा करेंगे तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 10 थीटा प्लस 10 थीटा इज 2 10 थीटा और 10 स्क्वायर थीटा यहां पे आ जाएगा अपने पास, दिस इज 3 फॉर्मूला। अब ये क्या है, बेसिकली अपन ने एंगल हाफ करा है ना, यहां पे सब जगह 2 थीटा है और यहां पे सब जगह थीटा है, ठीक है। हाँ चलो एक बार इसको पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। सही बात है अक्षर, आर का सेंसर तो उधर पढ़ाते हैं यार पहले, पता नहीं वो कलकत्ता में है कि नोएडा में है, कलकत्ता है नोएडा में, दिल्ली में, पहले इंदौर ही थे वो, इंदौर से ही गए, अक्टूबर में आता है आदित्य अक्टूबर। एनवी सर तो नहीं पता है, एनवी सर कौन से नहीं पता। तो देखो मैं जो पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाह रहा, एक मिनट पहले इसको कर लेते हैं पूरा, तो जो पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाह रहा था बेसिकली ये था कि जैसे अभी अपन ने यहाँ पे 2 थीटा लिखा है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे tan 2 थीटा, यहाँ पे थीटा लिखा है, राइट। तो इन फॉर्मुलों का मेन जो पर्पस है, इन जो फॉर्मुलों का बेटा जो मेन पर्पस है वो ये है कि पहले इधर समझ लो बेटा, बाकी बाद में बात कर लेना फिर, कि मेन जो फॉर्मुलों का पर्पस है वो ये है कि इधर 2 थीटा है इधर थीटा है, तो आप 2 थीटा और थीटा माप याद मत रखो बेटा, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि एंगल हाफ करना है, एंगल हाफ करना है, मतलब कोई भी एंगल यहां पर आए, कोई भी एंगल यहां पर आए आपको यहां पे उसका हाफ करना है, जस्ट हाफ, जो भी एंगल यहां पर आएगा आपको उसका हाफ करना है, ठीक है। तो एंगल हाफ करना है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां पे मैंने 2 थीटा लिखा है, यहां पे थीटा थीटा है, सेम फॉर्मूला आई कैन ऑल्सो राइट कि यदि यहां पे थीटा लिख दूंगा तो यहां पे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। यहां पे 2 थीटा लिखा, मतलब आप तो बस याद रख लो कि इस फॉर्मूले में जितने भी आइडेंटिटीज मैंने लिखी है आप यहां पे जो भी एंगल लिखोगे इधर उसका हाफ कर देना है, इधर उसका हाफ कर देना है, इधर थीटा लिखा है तो उधर थीटा बाय 2 लिख दो, इधर मान लो कि आपको 4 थीटा लिखा है, 4 थीटा तो इधर अपन 2 थीटा लिख लेंगे, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा लिख लेंगे, या मान लो इधर आप बोल रहे कि मैंने 3 थीटा लिखा है, लेट्स से कॉस में लिख दिया, cos 3 थीटा लिखा है तो यहां पे 3 थीटा लिखोगे तो यहां पे इसका हाफ लिखोगे, मींस cos स्क्वायर 3 थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर 3 थीटा बाय 2 लिखोगे, है ना। तो बस इन मेन फॉर्मूलों का पर्पस यही है कि जो भी एंगल इधर आएंगे, ठीक है, आपको इधर उसका हाफ करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो इसका यूज अपन तभी करते हैं जब अपने को एंगल हाफ करना है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे 3 थीटा वाले फॉर्मूले भी अपने पास आएंगे, ठीक है ना, राइट। चलो अब इसमें आगे लेते हैं, और ले आगे टाइम हो गया, हो गया क्या टाइम, मुझे देखा था कितने बच्चे बोलते हैं, है ना।
चलो ठीक है, अरे वे चलो ठीक है ना, तो इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मेरे गुरुजी का नाम, उससे तुम्हें क्या काम है? गुरुजी का नाम मतलब बहुत सारे गुरुजी हैं, ऐसे एक गुरुजी थोड़ी ना है। ठीक है चलो, ठीक है ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, और जिसकी बर्थडे है उसको कौन कौन, वैभव, ईशांत है ना, और एक और कौन था, पर सोनू खान, तीनों को एक बार फिर मेरी तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। बात कर मतलब पढ़ाओ नहीं लेकिन बात करो मतलब है। एक बच्चा लिख रहा है पढ़ाओ हम बात करते। सही है चलो।